शारदा डिजाइन को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी सारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी कि जो हमारा कुर्ता होता है उसके फ्रंट पार्ट का नेक कैसे बनाए और उसको कैसे डिजाइन करें पट्टियों के साथ, इस तरह की लेस के साथ और पट्टी के साथ। सबसे पहले आप अपने कुर्ते की कटिंग कर लेंगे, जैसे मैंने कर ली है। जो मैंने इसका नेक बनाया है वो राउंड शेप का बनाया है, आप भी जितना गहरा रखना चाहते हो रख सकते हो। सिर्फ मैं आपको इसको बनाना और डिजाइन करना बताऊंगी कि कुर्ते के फ्रंट पार्ट को कैसे डिजाइन करते हैं। इस तरह से कुर्ते को पहले तो फोल्ड कर लेंगे हम अपने कुर्ते को। बिल्कुल इसको बराबर रखना है इस तरह से। अब हम इसके इस तरह से निशान लगाएंगे बीच में, बिल्कुल इस तरह से तो लगाएंगे तो ये बिल्कुल बीच में आएगा। अब इसको खोल लेंगे, ये देखिए इस तरह से मैंने निशान लगाया तो ये बिल्कुल बीच में आएगा इस तरह से। अब हम इसके जो गले पे पट्टियां लगाएंगे वो कुछ इस तरह की होगी। इसकी लंबाई 1.5 इंच है, सॉरी चौड़ाई इस तरह से। इस तरह की मैंने दो पट्टियां यूज करूंगी, एक ऑरेंज कलर की और एक इस कलर की। अब हम इसकी दोनों साइड में एक इस तरह से पट्टियों को अटैच करेंगे, एक ऐसे लगाएंगे और एक इस साइड में लगाएंगे। अब हम ये ऑरेंज कलर की पहले पट्टी लगाएंगे, वो इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से मोड़ेंगे और इसकी साइड में लगाएंगे और एक पट्टी इधर लगाएंगे। पट्टी लगाएंगे जब थोड़ी आधा इंच नेक के बाहर रखेंगे निकाल करके इस तरह से। अब एक इस साइड को भी इस तरह से लेंगे। इस साइड से भी सिल देंगे। इस तरह से मैंने दोनों पट्टियां लगा ली हैं, ऑरेंज वाली पट्टी भी लगा ली और इसके ही पास में इधर की साइड में ये ब्लैक कलर की पट्टी भी लगा ली है। अब जो ये एक्स्ट्रा है इसको काट लेंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। और ये इस तरह का कपड़ा लेंगे, जितना आपका नेक होगा उससे 1.5 इंच ज्यादा ही कपड़े की लंबाई लेनी है और चौड़ाई भी। इस तरह से डबल कर लेंगे। इस तरह से गले को रखेंगे। निशान लगाएंगे इस तरह से और गले की पट्टी को काट लेंगे। इस तरह से एक एक इंच पर निशान लगाएंगे, सॉरी 1.5 इंच पर, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से।
इस तरह से हमने गले की पट्टी को काट लिया है। और इस तरह की मैंने लेस ली है जिससे हम गले को डिजाइन करेंगे। मैंने ये गले की पट्टी भी काट ली है। अब करना क्या है, इस गले की पट्टी को इस तरह से हम ये विदाउट बुकरम के ही बनाएंगे। इस तरह से रखेंगे, उल्टी साइड पर रखना है, कुर्ते की उल्टी साइड से रखनी है पट्टी। और इसके चारों तरफ सिलाई कर देंगे इस तरह से। ये मैंने सिलाई कर ली है, पट्टी को जोड़ लिया है गले की। अब इसको सीधी साइड में करेंगे। और इसके पास पास में भी सिलाई कर देंगे पट्टी के चारों तरफ गले के। ये इस तरह से मैंने ये सिलाई भी लगा ली है। अब हम सुई में धागा डाल करके सीधी साइड को गले की पट्टी को इस तरह से मोड़ेंगे और सारी को सुई से सिल लेंगे इस तरह से। ये कच्चा धागा करना है। फिर इस पर हम प्रेस करेंगे, प्रेस से ये है ये दब जाएगी, तब हम इस पर लेस लगाएंगे। इससे ये है कि हमारा जो नेक बनेगा वो सफाई के साथ बनेगा। चाहे तो आप इसको पिनअप भी कर सकते हैं, अगर पिन हो तो आपके पास पिन भी लगा सकते हो, पर मैं सुई से ही इसको सिलूंगी। इस तरह से ये मैंने इस तरह से इसको कर लिया है। अब हम इस पर प्रेस करेंगे, फिर लेस लगाएंगे। इसको जमाने के बाद प्रेस से अब हम ये सिलाई खोल देंगे। जो हमने कच्चा धागा किया है इस पे, ये इस तरह का हो गया। अब हम मैंने ये इस तरह की लेस यूज करूंगी इसमें लगाने के लिए। मैं ये लगानी किस तरह से है, इस तरह से इसको उठाएंगे। और इस तरह से मैं इसके चारों तरफ इसको लगा दूंगी। ये इस तरह से मैंने एक इस तरह की लेस ली है और एक इस तरह की ली है। चाहे तो आप इस तरह की लेस भी लगा सकते हो इस तरह से। ये इसमें जरा कम दिखाई दे रही है इसलिए हम इस तरह की लेस लगाएंगे। ये इस तरह से नीचे, तो ये कपड़े के नीचे ये, और इसके ऊपर इस तरह से हम ये लेस लगाएंगे इस तरह से। चाहे तो आप ये इस तरह की भी लगा सकते हो, ये मत लगाओ। ये लगानी किस तरह से, और यहां बीच में ये इस तरह से लगाएंगे, इसका कॉर्नर बना करके लगाएंगे।
ये इस तरह से। इस तरह से तरह से अब ये दूसरी बार भी सिलाई करेंगे जो इधर की साइड पर है। ये देखिए मैंने ये लैस इस तरह से लगा दी है। इस पर हम यहाँ चाहे तो हाथ से भी जो फैब्रिक वाले बटन बनाते हैं वे भी लगा सकते हैं, रेडीमेड भी लगा सकते हैं। ये इस तरह के इस तरह से आप घर पर कुर्ते के फ्रंट पार्ट को डिजाइन कर सकते हो, अच्छा भी लगता है। अगर आप हाथ से बटन लगाना चाहते हो फैब्रिक वाले जो बनाते हैं इस तरह से ब्लैक दो कलर के लगाना चाहते हो तो इस तरह के कपड़े को इस तरह से जोड़ लेंगे, फिर जैसे यही बटन है इस कपड़े को बीच में रखेंगे इस तरह से। मैं आपको बताती हूँ, पहले हम इस तरह से कपड़ा लेंगे और इस तरह से सुई में धागा डालेंगे। और एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे इस तरह से और कुर्ते पे इस तरह से इसको लगा लेंगे। इसके चारों तरफ इस तरह से लगाएंगे। इससे ये है इस तरह के बटन लगाओगे तो ये और भी प्यारा और अच्छा सुंदर लगेगा। ये देखिए इस तरह से आप सारे में इस तरह से बटन लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा कुर्ते का फ्रंट पार्ट तैयार है, डिजाइनर गला। और जब आप नीचे की पट्टी लगाओगे इसमें एक बात और बताना चाहती हूँ, यहाँ पर नीचे की साइड में तो इसके लिए भी मैंने पट्टी तैयार की है इस तरह की, तो इस तरह से लगा लेंगे।
अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।